नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस कार्यक्रम के इस अंक में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम पासपोर्ट बनाने की विधि इस विषय पर चर्चा करेंगे। पासपोर्ट किसी भी देश की सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर सकता है। यह दस्तावेज यानी कि ये पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है, जिसके जरिए हम देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। हमारे द्वीपों में भी बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं शुरू होने वाली है और लोगों में उत्सुकता देखने को मिली है। इसलिए आज के कार्यक्रम के तहत हम विषय लाए हैं पासपोर्ट बनाने की विधि। पासपोर्ट बनाने की विधि इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हैं वेरिफिकेशन ऑफिसर पासपोर्ट ऑफिस श्री एस नेताजी। श्री एस नेताजी, कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। जैसे कि हमारे द्वीपों में अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं शुरू होने वाली है और लोग जो लोग पासपोर्ट बना चुके हैं वो तो जानते ही हैं और बहुत लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, तो आज के कार्यक्रम में हम आपसे पासपोर्ट बनाने की जो विधि है, जो भी छोटी बड़ी जानकारियां हैं इस विषय आपसे हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमें पासपोर्ट इश्यू अथॉरिटी जो है उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। पासपोर्ट इश्यूइंग अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसका नेटवर्क जो भी पासपोर्ट ऑफिसर्स है, जैसे कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र एंड POPSKs जितना भी है, ये पासपोर्ट इश्यूइंग का जो काम जो है वो करती है जी। इसके प्रोसीजर्स के बारे में हमें विस्तार से बताएं। प्रोसीजर्स जो है, पहले जो होता था कि ऑफलाइन प्रोसीजर होता था, उसमें बहुत लंबा टाइम भी लेता था, मतलब ये पासपोर्ट बनने में अराउंड 3 to 6 months लग जाता था और पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑफलाइन होता था जी। तो सब ऑफलाइन फॉर्म भरना, फोटोग्राफी लेके जाना, लाइन में खड़ा होना, सब कुछ बहुत लंबा। अभी जो है बहुत सिटीजन्स के लिए बहुत कम्फर्ट और सिक्योर भी है और बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन में कोई भी भर सकते हैं, मोबाइल से भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं जी। तो सर अपॉइंटमेंट लेके आप खुद अपना टाइम जो भी जब चाहिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो टाइम जाके आप प्रोसेस बहुत आसान हो गया जी। तो इंटर आइलैंड में क्या पासपोर्ट की सेवा उपलब्ध है? नहीं, इंटर आइलैंड में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे खाली पोर्टबेर में अवेलेबल जी, है। जी 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 जी। एस नेताजी, आप ये बताएं कि जो पासपोर्ट इश्यूइंग अथॉरिटी के बारे में अभी आपने बताया, ये हमारे द्वीपों में कैसे काम करता है? हम जो है रीजनल पासपोर्ट कोलकाता, उनके अंडर में आते हैं, मतलब अंडमान का जो पासपोर्ट ऑफिस है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कोलकाता, उनके अंडर में एक POPSK है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। ये जो जैसा है कि मतलब ये पोस्ट ऑफिस और MEA का अंडर में जो है ना MOU है, वो जो भी रिमोट एरिया है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जो है मतलब पासपोर्ट ऑफिस भी इंटीग्रेट करके रखे ताकि मतलब पब्लिक को ज्यादा दूर ना जा पड़े जी। इसके लिए जो है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है जी। सर, पोस्ट ऑफिस में जब हम जाते हैं तो वहां पर किस तरह के स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, वहां किस तरह के काम होते हैं? वहां पे जब पहले जो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेके जब फिजिकली आपको एप्लीकेंट को प्रेजेंट होना पड़ता है वहां पे, इसके बाद जो है आप वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन सारा होगा, ओरिजिनल वेरीफाई किया जाएगा और जीरोस कॉपी जो भी है उनका डॉक्यूमेंटेशन सारा वेरीफाई करके उसके बाद हम लोग टोकन इश्यू करते हैं जी। टोकन इश्यू करने के बाद जो है बाकी प्रोसीजर जैसा फोटोग्राफी, बायोमेट्रिक जी, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं तो स्कैनिंग, डॉक्यूमेंटेशन जी और लाइव सिग्नेचर सब कुछ वहीं पर होता है और वेरीफाई कर सकते हैं एप्लीकेंट सारा डिटेल्स, फाइनल सिग्नेचर जो भी अप्रूवल होने के बाद जो है, इसके बाद आपको वेरिफिकेशन होगा नेक्स्ट लेवल में और ग्रांटिंग भी होगा, ये सब सेम डे होता है जी। जितना भी अपॉइंटमेंट्स है कंप्लीट करना सेम डे। तो सर, ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हम ले सकते हैं सर? या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कभी भी ले सकते हैं आप जी, जब चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे जो है अराउंड 40 अपॉइंटमेंट्स है यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर के लिए और 5 PCC जो है यहाँ पे है। कोई व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जब वो ऑनलाइन जब अप्लाई करता है उस समय कैसे वो फॉर्म भरना होता है? ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे तो पहले जाना है वेबसाइट, पासपोर्ट का वेबसाइट जो है www.passportindia.gov.in, ये जो है पोर्टल है पासपोर्ट का जी। इसमें जाएंगे,
आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आपको रीजनल पासपोर्ट कोलकाता सेलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन में जी। ये इसका जो मतलब रीजनल पासपोर्ट के अंडर कोलकाता के अंडर में पोर्ट ब्लेयर आता है जी, तो वो सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी इसके बाद फॉर्म में जो डिटेल दिया होगा वो फॉर्म फिलअप करेंगे। फिलअप होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा जी। पेमेंट करने का कन्फर्मेशन हो जाता है पेमेंट, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप जब चाहे जी। सर ये पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं? हाँ पेमेंट जो है मस्ट ऑनलाइन ही करना होगा। आपको क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं जी, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं जी, और यूपीआई से भी कर सकते हैं जी, तो बहुत आसान है जी। सर कोई व्यक्ति जो है वो अपॉइंटमेंट ले चुका है आपसे, अभी उससे मिलना है अपने आगे की जो भी काम है उसके लिए, और किसी कारणवश वो पहुंच नहीं पाता है, तो कैसे रीशेड्यूल कर सकता है अपने अपॉइंटमेंट को? हाँ रीशेड्यूल कर सकते हैं इसमें, अगर कोई भी अगर सेम डे नहीं आ पाया अपॉइंटमेंट का दिन अगर किसी कारण, अगर आते भी है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं लाया है तो बाद में लाने के लिए उसको और नेक्स्ट दो अपॉइंटमेंट्स फिर भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी, अप टू 3 मंथ्स के अंदर जी, 3 मंथ्स का वैलिडिटी पीरियड रहता है उसके अंदर और दो अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। जी 3 मंथ्स के बाद जो है वो पेमेंट इनवैलिड हो जाता है तो फिर से आपको बनना पड़ेगा जी। सर जो हम पेमेंट करते हैं वो कितना होता है? पेमेंट जो है एडल्ट के लिए 1500 होता है जी, माइनर के लिए 1000 होगा जी, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 10% डिस्काउंट रहता है मतलब 1350 होगा, और माइनर्स का अंडर 8 के लिए भी 10% डिस्काउंट होता है जी, 900 होता है, और बाकी पीसीसी के लिए 500 जी, और लॉस्ट में अगर पासपोर्ट लॉस्ट हो गया उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो जी, 3000 होगा जी, डैमेज में अप्लाई करते हैं तो रीइश्यू में अगर उसको भी 3000 होगा। तत्काल भी है, अच्छा जी, तत्काल का 3500 है मगर उसका जो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में फिलहाल तत्काल उपलब्ध जी। सर जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने होते हैं? डॉक्यूमेंट्स जो है बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा आपको, आईडी प्रूफ विद फोटोग्राफी और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ रेजिडेंशियल का देना होगा, बेसिक्स जो है। अगर पढ़ा लिखा है तो एजुकेशन का जो है 18 to 50 ईयर्स को जो है 10th एंड मिनिमम 10th और वो कुछ भी दे सकते हैं जी। आफ्टर 50 ईयर्स का अगर कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है तो डिफॉल्टली उनका ECNR मिल जाता है जी। बस अगर किसी को डाउट होता है तो नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे हम लोग जी, तो आपको उसको दिखाना होगा उनको। फिर नेशनलिटी के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे सर? जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ का अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर बाहर से कहीं आते हैं हमें जैसा वेस्ट बंगाल कोलकाता कहीं पे मतलब तमिलनाडु कहीं से भी आते हैं तो वहाँ का जो भी है डॉक्यूमेंट्स वहाँ का वो गांव का वो पंचायत का हो या तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का हो प्राइमरी स्कूल का ये सब पूछते हैं वो दिखाना पड़ता है जी। तो नेताजी आपने जैसा कि बताया कि पासपोर्ट के इतने सारे स्टेप्स आपने बताए हैं और अब पासपोर्ट अप्लाई करके बनने तक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। प्रोसेस यही है, पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको एप्लीकेंट को जो है पासपोर्ट ऑफिस आना है फिजिकली प्रेजेंट होने, और उसके बाद वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल सारा होगा उसका, उसके बाद टोकन इश्यू करेंगे उसको, टोकन इश्यू करने के बाद जो है फिर फोटोग्राफी होगा, बायोमेट्रिक डेटा एंट्री जो भी है सब करते हैं और स्कैनिंग करते हैं, सारा डिटेल्स उनको देते हैं तो वेरीफाई करके फाइनल अप्रूवल करके सिग्नेचर करते हैं तो उनका काम हो जाता है। फिर इसके बाद जो है आप वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा नेक्स्ट लेवल में जी, उस नेक्स्ट लेवल में ग्रांटिंग प्रोसेस होगा जी, जैसे ही हो जाता है तो उनका काम या एप्लीकेशन का हो जाता है। सेम डे हम लोग जो है वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मतलब ऑनलाइन चले जाता है वो अंडमान निकोबार पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस डिपार्टमेंट जो है बाकी नेक्स्ट लेवल में देखती है जी, उन लोग जो वेरिफिकेशन जो भी है कंसर्न थाना से कलेक्ट करके वो उन जो है ऑनलाइन अपलोड करते हैं जी। इसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में सारा डेटा कलेक्ट करके वो फाइनल वेरिफिकेशन सब कुछ करके अगर सेटिस्फाइड आए तो पासपोर्ट प्रिंट हो जाता है जी, तो इसके बाद डिस्पैच करेंगे जी,
डिस्पैच डायरेक्ट आपको रेसिडेंशियल एड्रेस में आपका पहुंच जाता है। अच्छा, अगर इनकेस आप नहीं है तो आप किसी को ऑथराइज करना होगा पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जी। अगर पासपोर्ट अगर आप एप्लीकेंट नहीं है तो पासपोर्ट किसी और के हाथ में देते नहीं है नॉर्मली। अच्छा, तो ऑथराइज करके पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करना है तो मैं इन द एब्सेंस ऑफ मी अब इनको पासपोर्ट डिलीवर करना है। अगर कोई ऑथराइज नहीं किया है एप्लीकेंट नहीं है तो पासपोर्ट रिटर्न चले जाता है तो आपको पासपोर्ट कोलकाता जाके ही कलेक्ट करना है। अच्छा, और नहीं भेजते हैं जी, जी जी जो भी समय निर्धारित है उस समय आकर आप लोगों से पासपोर्ट कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट हम लोग से नहीं, डायरेक्ट पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट से आगे। जी 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 अच्छा, तब अगर नहीं है अगर किसी को ऑथराइज भी नहीं किया है तो पासपोर्ट रिटर्न चले जाता है। अच्छा, सेफ कस्टडी में रखते हैं उन लोग और वापस नहीं भेजते हैं जी। आपको एप्लीकेंट को जाके रीजनल पासपोर्ट जाके कलेक्ट करना होता है। अच्छा जी सर, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में आपने बताया वो कैसी होती है, किस तरह के क्वेश्चंस जो है किए जाते हैं जो जिसे जिन्होंने अप्लाई किया है पासपोर्ट? ये के लिए? जो बेटर जो बता पाएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बता पाएंगे। हमारे काम जो है ये प्रोसेसिंग है, बाकी जो पुलिस वेरिफिकेशन जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट करती है तो वो नॉर्मली थाना कंसर्न थाना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो भी है वो सब चेक करके उन लोग क्लियर करते हैं, बाकी रिपोर्ट जो अपलोड करते हैं उन लोग। जी सर, आपने इतने प्रोसेस जो है बताया पासपोर्ट बनने के, जो प्रोसेस के बारे में बताया, जब आप पासपोर्ट के लिए जब काम करते हैं लोगों के एप्लीकेशंस को आप देखते हैं तो किस तरह की दिक्कतें कभी कभी आती है, किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं? दिक्कतें वैसे नहीं है, कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन का कुछ प्रॉब्लम आता है, बहुत जन का जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप क्लियर करिए, या तो अगर नहीं है जी तो फिर आप हम उनको एफिडेविट बनाना पड़ता है कुछ करेक्शन करने के लिए, नेम करेक्शन कुछ ये सब होता है जी। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब भी पासपोर्ट अप्लाई करने आते हैं तो पहले डॉक्यूमेंट सब क्लियर कर ले, नेम डेट ऑफ बर्थ जो भी है सब इवनली हो जी तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल का मतलब बार बार घूमना पड़ता है उनको जी जी। और सर, कोई कम पढ़ा लिखा इंसान आता है, उसे भी कुछ विदेश यात्रा करनी है किसी भी कारणवश, उन्हें आप कैसे मदद करते हैं? हम अगर पासपोर्ट अप्लाई उनको अगर नहीं आता है करना क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो हम बता उनको सजेस्ट करते हैं कि कोई बेटा बेटी या तो रिलेटिव्स कोई भी अगर पढ़ा लिखा है तो उनसे अप्लाई करा सकते हैं जी। या तो आप खुद आके पासपोर्ट ऑफिस में आके अगर टाइम देंगे तो हम लोग का काम अगर कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग खुद भी उनको हेल्प करते हैं, मोबाइल में कहीं भी अप्लाई करके दे सकते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है जी। जी सर, अभी आपने जो प्रोसेस के बारे में बताया तो काफी चीजें जुड़ी है पासपोर्ट बनकर हमारे हाथ में जब तक आती है, अगर ये प्रोसेस को हम ऑनलाइन चेक करना चाहें कि स्टेटस क्या है हमारा, हमने जो अप्लाई किया है तो उसे हम कैसे चेक करें? ऑनलाइन जब भी पासपोर्ट अप्लाई करते हैं आपको लॉगिन आईडी बनता है, तो लॉगिन आईडी जो है जब तक पासपोर्ट अगर आपको मिल नहीं जाता है तब तक आप लॉगिन आईडी जो है सेफ रखना होगा जी। तो तब तक जो भी अगर स्टेटस पता करना है आगे तो आप लॉगिन करेंगे पासपोर्ट डाल के, सारा स्टेटस उसमें रहेगा और बाकी अपडेट जो है आपको SMS का थ्रू ईमेल का थ्रू जो है ना अपडेट्स आते रहेगा। अच्छा, सारा डिटेल सब पता कर सकते हैं जी। तो सर, अभी आपने बताया कि जो पासपोर्ट क्या है हमें जो स्पीड पोस्ट ऑफिस के जरिए हमें मिलती है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो डिलीवरी के जो भी स्टेप्स है किस तरह से कितना ध्यान रखना है कि हमें ही कलेक्ट वो करना है और समय पर, ये हमें बताएं। जो भी पासपोर्ट अप्लाई करते हैं अपना अगर रेजिडेंशियल एड्रेस दिया जाता है तो परफेक्ट रेजिडेंशियल एड्रेस दिया जाए ताकि पोस्टमैन जो है पता करके पासपोर्ट डिलीवरी दे दे। अगर प्रेजेंटली अगर अवेलेबल नहीं है डिलीवरी एड्रेस में अगर अवेलेबल नहीं है तो वो ऑथराइज करके किसी को ऑथराइज करके लेटर जो है मतलब पोस्ट ऑफिस को दे के इन द एब्सेंस ऑफ मी आप इनको डिलीवर करिए और उसका जो आईडी कार्ड कुछ दे के आप जा सकते हैं जी। अगर इनकेस आप ऑथराइज नहीं करेंगे तो मैंने ऐसे ही बताया था कि पासपोर्ट रिटर्न हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको जी। जी बस अप्लाई किए हैं तो डिलीवरी होने के समय हमें ध्यान रखना है कि जो जहां पर हम रहते हैं वहां पर हमें उपस्थित रहना है ताकि हम आराम से अपने पासपोर्ट को कलेक्ट कर सके जी। तो सर, अभी हमें वेरिफिकेशन के बारे में बताइए। वेरिफिकेशन जो है वही जैसे ही पासपोर्ट हम लोग प्रोसेस कर देते हैं सेम डे जो भी अपॉइंटमेंट हम लोग सेम डे कम्प्लीट करना होता है जी। तो कम्प्लीट करके सेम डे जो है आपको फॉरवर्ड हो जाता है पुलिस वेरिफिकेशन डे,
पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चले जाता है जी। तो नेक्स्ट लेवल में वो लोग वेरीफाई करेंगे जी। जो भी है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखेंगे, जो भी उनका डाउट है नेशनैलिटी सारा चेक करके अगर क्लियर हो जाता है तो उन लोग रिपोर्ट्स कलेक्ट करेंगे कंसर्न थाना से, तो बाकी रिपोर्ट अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद पासपोर्ट अगर क्लियर हो जाता है तो पासपोर्ट प्रिंट के लिए चले जाता है जी। सर जो वैलिडिटी पीरियड जो होती है पासपोर्ट की उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। वैलिडिटी पीरियड 10 ईयर्स का होता है जी अडल्ट के लिए, माइनर्स के लिए 5 ईयर्स होता है या तो अप टू 18 अगर हो जाता है तो अप टू 18 तक इश्यू करते हैं। अगर उनको फॉर एग्जांपल उनका 16 ईयर्स है पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो 2 ईयर्स का मिलता है जी। अगर अबो 15 to 18 अगर अप्लाई करते हैं उसका जो है 1500 पे करके वो 10 ईयर्स का भी ले सकते हैं जी। सर जो पासपोर्ट के साथ हम बाहरी देशों में जाते हैं, जो बाहरी देशों में उस समय हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू होती है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जी। पासपोर्ट बना लिया मतलब आप हर कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते जी, जी। इसके लिए वीजा लेना पड़ता है आपको जी। वो डिपेंड करता है वो कंट्री अलाउ करता है कि नहीं करता है जी। तो पासपोर्ट बना लिया तो गेटवे मतलब इसका बाहर जाने के लिए वो बना लिया एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। और बाकी कंट्रीज भी जाना है तो आपको वो कंट्री को अप्रोच करना होगा वीजा के लिए जी। वो अलाउ करते हैं तो फिर आप जा सकते हैं जी। तो सर हमारे देश में हमारे भारत में कितने तरह के पासपोर्ट बनाए जाते हैं? हमारे देश में जो है मतलब 3 तरह के पासपोर्ट है। एक तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो आम आदमी हम लोग बनाते हैं, और एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, और एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जी। ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो ब्लू कलर का होता है, ऑफिशियल पासपोर्ट व्हाइट कलर का होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रेड कलर का होता है जी। ऑफिशियल पासपोर्ट जो है मतलब ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डेजिग्नेट करते हैं वही ऑफिशियल्स को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो हाई लेवल ऑफिसर्स को जो है ना डेजिग्नेट कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करती है जब बाहर जाने के लिए, तब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इश्यू करते हैं मतलब जी। सर आपने 3 पासपोर्ट के बारे में बताया हमारी भारत सरकार जो जारी करती है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पासपोर्ट हमारे देश के द्वारा नहीं दिया जाता है? वो नॉन रेसिडेंट्स जो भी है, अगर इंडियन रेसिडेंट्स अगर यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट नहीं है जी तो उसको अलाउ नहीं करते हैं जी। सर और मैं जब अगर मुझे पासपोर्ट चाहिए, मैं अप्लाई कर रही हूँ और किसी कारणवश मैं नहीं जाकर किसी और के हाथों अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकती हूँ? नहीं, ये जो है पहले ऑफलाइन में होता था, ऑफलाइन में जो है ऑथराइज करके फॉर्म फिल करके आप किसी का साथ बेस कर सकते थे पहले जी। मगर अभी जो ऑनलाइन हो गया तो आपको फिजिकली प्रेजेंट लेना है जी, क्योंकि आप लाइव फोटोग्राफी होता है, बायोमेट्रिक होता है फिंगरप्रिंट्स का, लाइव सिग्नेचर सारा वेरिफिकेशन होता है, तो आपको फिजिकली जाना जरूरी है जी। क्या बाय पोस्ट भी नहीं भेज सकते हम? प्रेजेंट कोई भी हो प्रेजेंट होना है जी। और सर जो एप्लीकेंट्स है वो किस तरह के छोटे से मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके काम में देरी हो जाती है या फिर पासपोर्ट बनाने के समय दिक्कत आती है? मेन जो है डॉक्यूमेंटेशन जी, डॉक्यूमेंटेशन बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है जी, वो अगर नेम डेट ऑफ बर्थ सारा जो एड्रेस जो भी है सब अगर क्लियर होता है इवन होता है तो कोई इश्यू नहीं है। ज्यादातर यही मतलब जो है डॉक्यूमेंट क्लियर रहता नहीं, स्पेलिंग गलत होता है, नेम करेक्शन एक डॉक्यूमेंट में एक जैसा मतलब फादर नहीं मदर नहीं, इसमें ज्यादा दिक्कत होता है। सर हम जब पासपोर्ट बनाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है तो एक ही स्थान पर 3 साल रहना क्या अनिवार्य है कि हम वहां रहे पासपोर्ट के लिए? नहीं, लास्ट 1 ईयर का देखा जाता है नॉर्मली पुलिस वेरिफिकेशन, बाकी पुलिस के ऊपर है वो। अभी जो है ऑनलाइन हो गया पुलिस का भी जी, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सारा पता कर लेते हैं कहाँ से मतलब कहाँ लास्ट 1 ईयर में जो है कहाँ का ट्रेवल किया है जी, वो कंसर्न थाना से वेरीफाई करके वो लोग क्लियर कर देते हैं जी। सर और किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा हो और भी किसी भी तरह का केस अगर चल रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, केस चल रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनको क्या है कोर्ट से NOC लेना होगा जी। उसका साथ जो है एक अंडरटेकिंग GSR 570E करके होगा, वो फिल करके देना होगा। कोर्ट से जब NOC लेते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए, उसमें पीरियड मेंशन हो, फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स 5 ईयर्स कुछ पीरियड मेंशन का अगर कोर्ट करके देता है तो 3 ईयर्स 5 ईयर्स का पासपोर्ट इश्यू कर देते हैं। अगर पीरियड मेंशन नहीं किया है तो आप हम लोग क्या 1 ईयर का ही पासपोर्ट इश्यू करते हैं वैलिडिटी का जी। तो 1 ईयर बहुत कम होता है तो दिक्कत होगा जी, तो वो ध्यान रखना है जी।
तो सर तत्काल सेवा क्या है, इसके बारे में हमें बताइए, और क्या यह हमारे द्वीपों में उपलब्ध है? तत्काल जो है इमरजेंसी पर्पस में, अचानक अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, उनको ट्रैवल करना है, तो इमरजेंसी पर्पस के लिए एक सुविधा है जी। तत्काल जो है 1 to 7 days, मतलब 1 week के अंदर मिल जाता है नॉर्मली जी। तो वेरिफिकेशन जो है बाद में होता है जी। मगर फिलहाल जो है पोर्ट ब्लेयर में ये फैसिलिटीज नहीं है जी। अगर अंडमान के पब्लिक चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अम्मी से जी। जी तो सर सरकारी कर्मचारी जो है उनके लिए कुछ अलग तरह की सुविधाएं हैं? हाँ, सरकारी कर्मचारी के लिए क्या जो है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सेम रह गई है जी। उनको जो है एनओसी लेना पड़ता है, या तो प्रायर इंटीमेशन जी या तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तीन जी। होता है, एक तो एनेक्सर एच, एनेक्सर जी, एनेक्सर ए जी। तो एनेक्सर एच जो है प्री वेरिफिकेशन होता है उसमें, वो अगर सबमिट करते हैं तो प्री वेरिफिकेशन पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको पासपोर्ट इश्यू किया जाएगा जी। अगर एनेक्सर जी एनओसी देते हैं, ये जो है लेटर पैड में इश्यू करना होता है डिपार्टमेंट से, इसमें जो पोस्ट वेरिफिकेशन होगा। पोस्ट वेरिफिकेशन का मतलब जो पासपोर्ट पहले ही आपको दे दिया जाएगा जी, वेरिफिकेशन जो है जी, बाद में होगा जी। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन एनेक्सर ये अगर वो अगर सबमिट करते हैं, ये भी लेटर पैड में इश्यू करना होगा जी। और ये अगर देते हैं तो आपको विदाउट वेरिफिकेशन पासपोर्ट मिल जाएगा आपको, इसका जो कोई वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है जी। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये सब ध्यान रखना पड़ता जी। सर जो हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है, आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफी, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, ये मेन है जी। बाकी एजुकेशन सर्टिफिकेट वो 18 to 50 years के लिए अगर है तो दे जी, सकते हैं जी। वो ECNR, नॉन ECR, ECR का कैटेगरी होता है उसके लिए देना पड़ता है जी। ये रिक्वायरमेंट है बेसिक बेसिक, और ये सारा जो है नेम सारा करेक्शन जो भी है क्लियर रहना है इसमें जी, जी। और इसका डॉक्यूमेंट्स जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो है डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन का दे सकते हैं, या तो पैन कार्ड दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ में दे सकते हैं जी। और एड्रेस प्रूफ के लिए जो है आधार दे सकते हैं, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिक बिल, फोन बिल, गैस कनेक्शन वगैरह सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है आप इसमें है, मतलब ऑनलाइन में जो अवेलेबल है आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन का जी। ये सब दे सकते हैं जी। और सर माइनर्स के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? हाँ, माइनर्स के लिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट और आधार जी, और साथ में जो है पेरेंट्स का पासपोर्ट होना जरूरी है जी। अंडर 15 अगर वो होता है तो पेरेंट्स का पासपोर्ट होना है, अगर पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है तो माइनर्स का साथ पेरेंट्स को भी अप्लाई करना है जी, ये मस्ट है। और इसके बाद जो है आप एनेक्सर डी करके एक फॉर्म होता है, वो पेरेंट्स बोथ सिग्नेचर करके वो भी देना पड़ता है जी, पेरेंट्स का कंसेंट है वो जी। और सर किसी कारणवश किसी के पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करे? माइनर के लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही है जी, सारा जगह जी, वो तो देना ही होगा जी। अगर अडल्ट के लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वही आप बताया ना, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं जी, ये सब ऑप्शन है जी। सर कई बार होता है चीजें हमसे खो जाती है, अगर पासपोर्ट खो जाए उस समय क्या करें? हाँ, पासपोर्ट अगर खो जाते हैं तो पहले जो है आपको FIR करना पड़ेगा जी, FIR करके वो डॉक्यूमेंट लेके आना है जी, और एक एनेक्सर एफ करके ऑनलाइन मिल जाता है डॉक्यूमेंट, उसका जो है नोटराइज करके आप वो भी लेके आना है जी। बाकी प्रोसीजर सेम है, सारा डॉक्यूमेंट्स पहले का जो है वो सारा डिटेल देना है जी। देखिए लॉस्ट में अप्लाई करना है आपको जी, लॉस्ट में अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा 3000, वो पे करके आपको लॉस्ट में अप्लाई करके आना है जी। जी जी सर डैमेज पासपोर्ट के लिए क्या करें? डैमेज में जो है वो एनेक्सर एफ बनाना है जी, इसका FIR जरूरत नहीं है मगर रीजन बताना है क्यों डैमेज हुआ सारा करके, एनेक्सर एफ जो है जी, जी। उसको नोटराइज करके जी। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो सेम रहेगा पहले जो दिया हुआ है सारा लेके आना है, तो इसका भी फीस एक्स्ट्रा होगा। अच्छा जी, 3000 डैमेज में बनना पड़ेगा जी जी। और सर जब पासपोर्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है उसे रिन्यूअल हमें कराना है तो उस समय कैसे कदम हमें उठाने चाहिए? एक्सपायर मतलब पासपोर्ट रीइश्यू में अप्लाई कर सकते हो आप, जब भी ओल्ड पासपोर्ट किसी के पास है तो आपको रीइश्यू में ही अप्लाई करना है जी। रीइश्यू
रीइश्यू क्या होता है कि नॉर्मली किसी का पेजेस एग्जॉस्ट हो जाता है, अब किसी का करेक्शन होता है, एग्जिस्टिंग पर्सनल पार्टिकल्स को चेंज करना है, या तो आपको बताया था वो डैमेज हो गया या तो लॉस्ट हो गया, ये सब कारण जो है ना रीइश्यू में अप्लाई कर सकते हैं। तो रीइश्यू सेलेक्ट करके जो है ना नॉर्मली प्रेस सेलेक्ट करते हैं या तो रीइश्यू सेलेक्ट करके आपको अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, आपने किसी को पासपोर्ट इशू कर दिया, उसके बाद किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं, तो ऐसे समय में वो व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है? नहीं, पासपोर्ट अगर इशू अगर पोस्ट वेरिफिकेशन में कर दिया है तो क्या है, वेरिफिकेशन के लिए पुलिस जाएगा। जी, तो पुलिस अगर एडवर्स कर देता है रिपोर्ट में, अगर इनका पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसे पासपोर्ट नहीं मिलेगा जी, तो उनको सो कॉज नोटिस इश्यू किया गया जाएगा, तब क्या इसको पासपोर्ट लेके सरेंडर करना होगा उनको। अगर पासपोर्ट सरेंडर करनी है तो नहीं करेंगे तो उसको पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसका जो है लीगल जो भी कानूनी जो है कार्रवाई की जाएगी। जी सर, जब ऑफिस में लोग पासपोर्ट के लिए आते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, अपॉइंटमेंट्स आप लोग जब देते हैं, तो एक दिन में आप कितने लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, इसके तहत किस तरह के रूल्स हैं? ये सेंट्रली मॉनिटर्ड है, तो यहाँ के लिए जो है ना 40 अपॉइंटमेंट्स दिन में दिया हुआ है और 5 PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है यहाँ के लिए, मतलब टोटल 45 अपॉइंटमेंट्स है यहाँ का। जी, और कुछ पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट है, उसे रीइश्यू कैसे किया जाए? वही पुराना पासपोर्ट अगर है तो अगर वही रीइश्यू में अप्लाई करके आपको लेके आना। जी जी, अभी जो बताया था। अच्छा जी सर, पासपोर्ट में अगर हमें अपने जो जीवन साथी का नाम ऐड कराना है, उसके कदम कैसे होंगे? आपको इसके लिए अगर कुछ भी पासपोर्ट में एक्स्ट्रा ऐड कराना है तो आपको रीइश्यू में अप्लाई करना होगा। जी, रीइश्यू अप्लाई करके आपको वही प्रोसेस फॉलो करके या कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा। जी, अगर स्पाउस नेम ऐड करना है जी तो आप मैरिज सर्टिफिकेट कुछ दे सकते हैं। जी, देखिए आपको पासपोर्ट ऐड हो जाएगा, फ्रेश इश्यू फ्रेश पासपोर्ट आएगा और 10 ईयर्स वैलिडिटी रहेगा। जी सर, हम जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से स्पीड पोस्ट से हमारे हाथों में जब पासपोर्ट आता है, इसके बीच कितना समय लग जाता है? ये जो है कलकत्ता से, अगर नामलो बात कहा जाए तो कलकत्ता से आता है तो अराउंड 1 वीक टू 10 डेज लगता है वो, वहां से फ्लाइट में आना है, कभी एयरपोर्ट में पासपोर्ट का अगर फ्लाइट अगर अपलोड हो जाता है तो कुछ टाइम लेता है, तो 1 वीक टू 10 डेज लग जाता है नॉर्मली। जी जी, तो सर अब हम चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम के जरिए जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं और पासपोर्ट बनाने की इच्छुक है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि सब तक पहुंचेगा। जी, तो पासपोर्ट बनाना जो है ना बहुत आसान है। जी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, पासपोर्ट पोर्टल है जैसे कि www.passportindia.gov.in, उसमें जाइए, सारा डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रोसीजर सारा कुछ दिया हुआ है, वो पढ़ के आप आराम से बना सकते हैं। इनकेस कुछ भी अगर तब भी डाउट है तो हम पासपोर्ट ऑफिस में बैठे ही हैं, ऑफिस टाइम में आके आप हम लोग से हेल्प ले सकते हैं। जी, तो हमें हमेशा तैयार है। और आपसे संपर्क कैसे करें, आपके ऑफिस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं? ये ऑनलाइन है तो हम डायरेक्ट फोन नंबर तो नहीं है, आप कस्टमर केयर कलकत्ता का नंबर है, ऑनलाइन में पोर्टल में अवेलेबल है और ईमेल भी है। जी, आप मेल कर सकते हो या तो कस्टमर केयर में बात कर सकते हो आप डायरेक्ट। जी, तो श्री एस नेताजी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और पासपोर्ट बनाने की विधि, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारे देश के द्वारा हमें दिया जाता है कि ताकि हम विदेश यात्रा कर सके, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत कुछ आज उसने सीखा होगा और अवश्य ही वो आगे जाकर पासपोर्ट जरूर बनाएंगे। आप आज हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थी पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी। हमें आशा है इन सभी छोटी बड़ी जानकारियों को आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप पासपोर्ट बनाना चाहेंगे। आज के फेस टू फेस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।